वेलकम टू अमूल इंडिया फेसबुक पेज। कुछ ही मिनट में हम अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़े जन और जुड़ जाए हमारी सेशन में। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो टू एवरीवन हु ऑल हैव जॉइंड दिस सेशन। सो वेलकम वंस अगेन टू अमूल इंडिया फेसबुक पेज। मैं हूं शेफ सिद्धार्थ, द फाउंडर शेफ ऑफ खाने का पिटारा फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। एंड आज फिर से आप सभी के साथ मैं लाइव आया हूं इस अमूल के प्लेटफॉर्म पे। एंड आई मस्ट थैंक द एंटायर टीम ऑफ अमूल इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस लाइव रेसिपी शो, जिसने ना कि इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। एंड बहुत सारी शेफ्स आए हैं, फूड ब्लॉगर्स आए हैं, होम शेफ्स आए हैं, जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है इस प्लेटफॉर्म को। तो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। रिसेंटली केरला टूरिज्म ने मुझे नॉमिनेट किया एज अ सेलिब्रिटी शेफ प्रमोटर फॉर देयर केरला क्यूजिन कॉन्टेस्ट 2021। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। क्या पता आप भी वो 7 लकी विनर्स हो जिसको केरला की ट्रिप फैमिली के साथ जाने का मौका मिले। एंड विद दिस आई स्टार्ट माई सेशन ऑफ टूडे। तो आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही चटपटा और बहुत ही आसान सी रेसिपी है वो, जिसका नाम है पनीर चटनी बॉम्ब्स। अभी इवनिंग का समय है और ये इवनिंग आइडल स्नैक है। ये बहुत ही क्रंची रहेगा बाहर से और अंदर में आपको चटनी का एक मजेदार फ्लेवर मिलेगा। बाहर में इसकी जो कोटिंग है वो अमूल की पनीर यूज करके हम बनाएंगे, उसके साथ में बाइंडिंग रहेगा हमारा पोहा हो गया जिसको फ्लैट एंड राइस कहते हैं, और पोटैटोस का रहेगा। और मैं यहाँ पे अमूल मस्ती जो है छाछ उनकी वो भी यूज करने वाला हूँ एज अ कोटिंग। इसका जो एक टेक्सचर है बहुत अच्छा आएगा जब हम फ्राई करेंगे और फ्लेवर भी ऐड करेगा प्रोफाइल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जार ले रहे हैं मीडियम साइज का। और उसके अंदर में करीबन बंचफुल ऑफ कोरिएंडर ले रहे हैं। ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इसे कैसे यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जीरो वेस्टेज कर रहा हूँ बिकॉज वी एज अ शेफ बिलीव इन लव फूड एंड हेट वेस्टेज। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका ये जो रूट का पार्ट है वो सिर्फ निकाला है और मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करूंगा। इसे हम यूज कर सकते हैं, इससे वापस हम प्लांटेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी स्टॉक बना रहे हो उसमें आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत फ्लेवर प्रोफाइल ऐड करता है ये। मैं इसको इसके स्टेम के साथ ही यूज करने वाला हूं। ये बाय मेजरमेंट अगर आप बात करें तो ये 150 ग्राम्स ऑफ कोरिएंडर है। तो मैं इसे यूज कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने इसको रफली चॉप कर दिया खाली। इसे एक जार में ऐड कर देंगे अब हम। इसे दो स्टेप में करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फ्रेश कोकोनट यूज कर रहा हूं जिसको मैंने छोटे चंक्स में काट के रखा है। आप चाहे तो डेजिग्नेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, नारियल का बूरा भी यूज कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ये चटनी बना रहे हो एकदम दरदरी होनी चाहिए, ना कि पतली होनी चाहिए। अगर आपकी चटनी पतली होगी तो क्या होगा, जब आप इसको स्टफिंग के अंदर आप डालोगे और जब फ्राई करोगे तो हो सकता है कि हमारे जो पनीर बॉम्ब है वो खुल के फटने लग जाए गर्म तेल में जाने से। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि कुछ भी ऐड ना करें वाटर, क्योंकि हम जो कोकोनट यूज कर रहे हैं इसके अंदर में फ्रेश कोकोनट, उससे ये ऑटोमेटिकली जो है हेल्प करेगा चटनी को ग्राइंड होने में। तो यहाँ पे मैं हाफ कप कोकोनट ले रहा हूँ फ्रेश।
साथ में मैं एक हरी मिर्च ले रहा हूँ, आप अपने टेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको 2 हॉप्स में डालेंगे ऐसे करके। साथ ही साथ हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ले रहे हैं, इसका जो आउटर स्क्रेप है मैंने उसको निकाल दिया है स्किन को, और साथ ही साथ हम लोग 2 से 3 गार्लिक क्लोव ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में, और लेमन जूस ऐड कर रहे हैं करीबन 1 टेबलस्पून। सॉल्ट अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाद में ऐड करेंगे हम। तो इसे एकदम दरदरा होने तक पीस लेंगे अब हम। चलिए इसे एक बार देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इस स्टेज पे। सॉल्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने अभी 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे एक बार। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चटनी नहीं हो रही है विदाउट एडिंग वाटर, तो यहां से हम 1 टेबलस्पून वाटर ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 टेबलस्पून से ज्यादा ऐड नहीं करना हमें, वरना क्या होगा, हमारी चटनी जो है बहुत थिन हो जाएगी और अंदर कोट नहीं हो पाएगी। ये कुछ इस तरह दिख रही है अभी, थोड़ी सी थिक है अभी भी। इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर हमारा जो लेफ्ट ओवर कोकोनट था वो ऐड करेंगे अब हम। साथ ही साथ में हमारे जो लेफ्ट ओवर कोरिएंडर्स थे टोटल मेजरमेंट के हिसाब से वो ऐड कर रहे हैं हम इसमें धीरे धीरे। तो ये बहुत थिक चटनी बनके रेडी हो गई है हमारी, थिन भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है अगर ये थिन है तो लेफ्ट ओवर कोरिएंडर्स आप और ऐड कर सकते हो।
क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था बी एज अ शेफ हेट वेस्टेज, तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट के हिसाब से रेसिपी कॉल करती है मैं उस हिसाब से इसको ऐड करके एक बार से और ग्राइंड कर लूंगा। अब हमारी जो चटनी है एकदम थिक बन के रेडी हो गई है, नाइस ग्रीन कलर इसके अंदर आया है और एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर जिंजर गार्लिक का। इसको आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा जब आप स्टफिंग में ऐड कर रहे हैं, अभी मैं इसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हमारी एक बार बाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। अगर हमें सॉल्ट एंड लेमन कम लग रहा है तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे उसके हिसाब से, इसे हम साइड में रख देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग ये रेसिपी तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आज हम पनीर चटनी बॉम्ब्स बना रहे हैं। पनीर चटनी बॉम्ब एक बहुत ही यूनिक स्नैक रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है साथ ही साथ। तो अब हम इसका मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बाउल लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटोज लिया है, साथ ही साथ में यहाँ पे सोक पोहा है हाफ कप, इसको मैंने वाटर में सोक करके रखा था तो ये भी ऐड कर देंगे अब हम। सो द मेजरमेंट इज 200 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, 80-90 ग्राम्स ऑफ पोहा और अब हम यूज करने वाले अमूल की फ्रेश पनीर इसके अंदर में। So this is 200 ग्राम अगेन, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर, आप सभी को दिख रहा है ये। सो टोटल अभी जो इसका मेजरमेंट है अराउंड 500 ग्राम हो चुका है इंक्लूडिंग द पोटैटो पनीर एंड द पोहा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। आप चाहो तो पोटैटोज और पनीर को ग्रेट करके भी रख सकते हो। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कुछ ज्यादा हमें काम झाम नहीं करना है, कुछ आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ पे ये बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी है ये खाने में। सो विल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, जस्ट लाइक एक इसका डो टाइप का प्रिपेयर करना हमें। करीबन कुछ 2-5 मिनट लग सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करनी, एकदम आराम से करना है बिकॉज जब हम खाना बनाते हैं तो हमें अपना पूरा टाइम और डिवोशन उसमें देना चाहिए, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम। अगर आपकी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी ये सेशन देख रहे हैं अभी मेरा।
एंड अमूल का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जो हमारे साथ कंटिन्यू टाई अप करते रहते हैं, कांटेक्ट करते रहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी पीछे नहीं हटते, कोई भी शेफ्स होने तो होम शेफ्स उनके साथ कांटेक्ट करने की। ये प्लेन ही इतना अच्छा दिख रहा है मिक्सचर इसका कि आप जब बनाने लगोगे तो आपको मन करेगा कि बीच बीच में आप खाते रहें। बट इसके अंदर हम फ्लेवर ऐड और करेंगे अभी, जैसे कुछ मसाले हो गए तो उससे और टेस्टी बनेगा ये खाने में। I'll be right back, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है किचन में। अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं 1 fine chop ऑनियन मीडियम साइज का। आप इसके अंदर चाहो तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हो और कोई वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, कॉर्न हो गया, कैरेट हो गया, सब आप ऐड करके एक नाइस आउटर कोटिंग का जो बैग जिसको कहते हैं, जैसे हम कोई भी कोफ्ता बनाते तो उसका जो एक मिक्सचर रहता है उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड करना चाहते हो, तो आप वो सब ऐड कर सकते हो इसके अंदर पे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे हम इसके अंदर में। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं 1/2 teaspoon to 1 teaspoon के अंदर जीरा, साथ ही साथ मैं ऐड कर रहा हूं पिंक सॉल्ट 1 tablespoon। मैंने पिंक सॉल्ट इसलिए ऐड किया बिकॉज पिंक सॉल्ट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एज कंपेयर टू व्हाइट सॉल्ट। पिंक सॉल्ट आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, इट गिव्स यू गुड स्लीप एट नाइट। एंड जितना आप सॉल्ट को रिड्यूस कर सकते हो अपने लाइफ से डे टू डे लाइफ में, इट विल बी बेटर फॉर अस बिकॉज सॉल्ट कहीं ना कहीं जाके हमारे बॉडी के हर एक कोने के बोन्स को वीक करता रहता है। बिकॉज वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी हर खाने पे ऊपर से भी नमक ऐड करते हैं, अगर वो आदत है हमारी तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए अपने खाने में, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, नहीं तो आप पिंक सॉल्ट ऐड कीजिए। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ लेमन जूस, ये करीबन 1 tablespoon लेमन जूस है। साथ ही साथ मैं ऐड कर रहा हूं अमचूर पाउडर 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon और थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 teaspoon जितना गरम मसाला ऐड कर रहे हैं हम। इस सबको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो, नहीं तो रेड चिली पाउडर का जो क्वांटिटी आप वो बना सकते और आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो उसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत आसान रेसिपी है, मैंने इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स ये सब हमारे सबके घर पे रहता है, आलू पोहा और पनीर भी जनरली घर पे रहता, नहीं तो अमूल की पनीर इजिली अवेलेबल है मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में, और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने कुछ इसमें ऐड किया नहीं है। एक बार सॉल्ट टेस्ट कर लेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगा इसमें 1/2 teaspoon जितना और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। खाना आप जब बनाते हो तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आप उसकी जो फ्लेवर प्रोफाइल है उसको मेंटेन करके रखिए। अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना अंदाजे से डालना है, तो इट्स बेटर कि आप सीजनिंग को चेक कर लीजिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि कम है कि ज्यादा है। अगर कम है तो आप डाल सकते हो, अगर ज्यादा है तो उसका उपाय यह है कि जैसे कोई डिश में सॉल्ट अगर ज्यादा हो जाए तो तुम क्या करते हो, उसको कट डाउन करने के लिए उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, सो दैट वो इक्वली बैलेंस हो जाए। अगर आप यही कोई सब्जी बना रहे हो, अगर आपका सॉल्ट लेवल ज्यादा हो जाता है, तो आटे की गोली बनाइए उसमें डिप करके डाल दीजिए, नहीं तो रोस्टेड ग्राम फ्लावर उस करी, नहीं तो दाल आप जो भी डिप बना रहे हो उसमें डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो सॉल्ट लेवल है वो कम हो जाएगा। आई होप आई एम ऑडिबल। टेस्ट इज परफेक्ट। मैं हैंड वॉश करके आता हूं। साइड में मैं ऑयल को भी रख देता हूँ गर्म होने के लिए, सो दैट फ्राइंग करने में इजी हो और टाइम कम लगे हमें। Now comes the चटनी। ये चटनी मैंने बल्क में बना के रखी है, मैं इसे प्रिजर्व करके रख लूंगा, किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे खा सकते हो। टेस्ट इसका भी परफेक्ट है, इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं हमें। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत जन जब कोई कोफ्ता नहीं तो कुछ भी बनाते हैं तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी हो गई, नहीं तो मैदा की स्लरी यूज करते हैं कोटिंग देने के लिए क्रम्स को। तो आज मैं अमूल मस्ती स्पाइस बटर मिल्क यूज कर रहा हूँ और उसके साथ में मैंने यहाँ पे रोस्टेड ग्राम फ्लावर करके रखा है। दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा स्लरी बना लूंगा और फिर हमारे जो ये पनीर के क्रम्स है, बॉम्ब्स है, उसको डिप करूंगा। और पैनको क्रम्स, नहीं तो कोई भी क्रम्स हो गए, ब्रेड क्रम्स हो गए, पोहा हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, उसमें कोट करके डीप फ्राई कर लेंगे। करीब 100 ml लिया है मैंने यहाँ पे। ये रोस्टेड ग्राम फ्लावर है, यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, एंड विद द हेल्प ऑफ अ विस्क इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे हम। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर के साथ भी कर सकते हो और मैदा के साथ में भी, बट मैंने ये मेथड इसलिए चूज किया बिकॉज समर का सीजन है और अमूल मस्ती दी जो अमूल की तरफ से छाछ आती है बहुत टेस्टी रहती है पीने में, उसका एक फ्लेवर रहता है और ये हमारे डिश में एक फ्लेवर ऐड करेगा। एकदम प्रोथी हो गया, इसमें हम कुछ मसाला और ऐड नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसका अमूल मस्ती का जो स्पाइस बटर मिल्क आता है ऑलरेडी उसके अंदर स्पाइसेस ऐड होके आते हैं, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और का सबका फ्लेवर है इसमें, तो हमें कुछ फ्लेवर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान है ये करना। सबसे पहले हैंड को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, सो दैट इजी रहे बनाने में। अभी क्या करना है, हमें एक बॉल साइज लेना है हमें,
उसे फिर धीरे 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 फ्लैटिंग करते रहना। एंड ये ध्यान देना कि जो साइड एजेस है वो थोड़ी पतली करें हम, और बीच में एक कैविटी बना दें। अब हम इसके अंदर चटनी फिल करेंगे हमारी। अब ऐसे धीरे 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 करके हम चटनी को जो है कवर कर देंगे। एक बॉम्ब के शेप में इसको ले आएंगे ऐसे एकदम। इसे हम हमारे बटरमिल्क एंड ग्राम फ्लावर के बैटर में डिप करेंगे और फिर इसे कोट कर लेंगे पैन को क्रम से। आप चाहो तो यहाँ पे पोहा भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स यूज कर सकते हो इसके प्लेस में, नहीं तो अभी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो कि फॉक्स नट होते हैं, उसको भी थोड़ा सा रोस्ट करके क्रंची टेक्सचर में लाके आप इसे कोटिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये एक बार हो गया है हमारा, अब डबल कोटिंग करेंगे। सेम वापस से ग्राम फ्लावर के मिक्सचर में से डिप करेंगे और फिर हम पैन को क्रम्स में से कोट कर लेंगे। और ये जब एक बार हो जाएगा इसे एक बार धीरे धीरे हाथों से रोल कर लेंगे सो दैट हमारा जो क्रम है वो इवनली स्टिक हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो बाहर निकल के ना आए वो। तो पनीर बॉम्ब्स मैंने नाम दिया था, एकदम बॉम्ब साइज में बॉल्स है ये। कुछ और प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस रेसिपी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एवरीवन जो ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी क्या बना रहा हूँ इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो मैं आज बना रहा हूँ पनीर चटनी बॉम्ब्स। मैं ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रेसिपी पूरी रिकॉल कर दूंगा एंड मैं इसकी रिटन रेसिपी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ जाके रिटन रेसिपी भी देख सकते हैं सो दैट आपको ईजी रहे मेजरमेंट्स मैंने किस हिसाब से लिए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने हाथ में ऑयल लगा के इसे करें, नहीं तो क्या होगा पोटैटो का जो स्टार्च है वो आपके हाथ तो दरदरा ग्राइंड कर लिया है मैंने, ज्यादा थिन नहीं रखा है मैंने चटनी को। अगर हम थिन रखेंगे तो क्या होगा हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर आने लग जाएगी और जो हमने इसको नाम दिया पनीर चटनी बॉम्ब से वो वैसा नहीं लगेगा।
आई होप सभी को ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। जरूर इसे घर पे ट्राई करें और अमूल को और मुझे जरूर टैग कीजिए। मेरा पेज है खाने का पिटारा, KHANEKAPITARA, खाने का पिटारा विद शेफ सिद्धार्थ। एंड हम लोग भी कुछ अमूल के तरह लाइव सेशंस लेके आए हैं होम शेफ्स के लिए, जिसका नाम है हर घर कुछ बनाए, जहाँ पे जितने भी होम शेफ से जो प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे आप मेल कीजिए नहीं तो DM कीजिए। सो इसे हम साइड पे रखते हैं, अब फ्राइंग कर लेते हैं। आप चाहो तो टिश्यू पेपर, नहीं तो कोई एब्जॉर्बेंट पेपर होता है उसको प्लेस कर सकते हो, और जब गरम गरम आप बॉम्ब्स बना के निकाले उसके ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट जो है ऑयल एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होगा और खाने में बहुत मजा आएगा। तो मैं इसे ट्रांसफर कर लेता हूँ दूसरी तरफ, इजी रहेगा। फ्राइंग का जो मोड है वो हमारा मीडियम हीट पे रहेगा, मीडियम टू हाई हीट पे। एकदम हाई हीट पे नहीं करना, वरना क्या होगा, बाहर का जो क्रस्ट है वो जल्दी पक जाएगा और अंदर से जो है वो थोड़े कच्चे जैसा फ्लेवर आता है वैसा आएगा और मजा नहीं आएगा खाने में। जब तक कि ऑयल हमारा हॉट हो रहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने गार्निशिंग के लिए प्रिपेयर करके रखा और डिप्स बनाई है। ये हमारे पास है हंकर जो था, मैंने उसके अंदर में लेमन जूस एंड सॉल्ट ऐड करके एक साग क्रीम जैसा बना लिया फॉर गार्निशिंग। ये हमारी पी प्योरी है। पी प्योरी में मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 100 ग्राम ग्रीन पीस लिया मैंने, 2 व्हाइट शैलट्स लिए हैं, स्मॉल शैलट्स जो सफेद प्याज आते हैं छोटे उन्हें कहते हैं छोटे वाले, और मैंने 2 से 3 गार्लिक यूज किया है क्लोव्स। तो सबसे पहले मैंने पैन में 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया था, उसके बाद में मैंने एक बे लीफ ऐड किया था उसमें, उसके बाद में मैंने गार्लिक एंड ऑनियन को सौते किया थोड़ा, उसके बाद में पीज ऐड करके मैंने वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर दिया उसके अंदर में और उसको बॉईल होने दिया। कम्प्लीटली पीज बॉईल हो जाने के बाद मैंने स्ट्रेन करके उसे कूल डाउन करके एक प्योरी प्रिपेयर कर ली। प्योरी हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर में सॉल्ट एंड लेमन जूस एंड सीजनिंग एडजस्ट करके स्ट्रेन कर लिया था और हमारी ये जो ग्रीन पी प्योरी है रेडी होगी। ये आप कोई भी डिश के साथ सर्व कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसकी सब्जी भी बना सकते हो इस प्योरी की। इसको थोड़ा और सौते करके इसके अंदर पनीर ऐड करके डिफरेंट फ्लेवर की सब्जी बन जाएगी आपकी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट फॉर टुडे इज आर टर्मरिक सॉस। तो टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जब भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमें टर्मरिक, हल्दी का दूध दिया जाता, नहीं तो कोई भी कट हो जाता तो सबसे पहले हम हल्दी लगाते हैं। हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, तो मैंने उसी को सोचते हुए उसकी सॉस बनाई है हल्दी की। कैसे बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ये आज का नुस्खा रहेगा आपके लिए, टिप रहेगी, सो दैट आप लोग जब इसे घर पे बनाओ कुछ गलती ना करो, फिर आप कहोगे कि शेफ सिद्धार्थ ने बताया नहीं। तो सबसे पहले आपको एक पैन, नहीं तो सॉस पैन लेना है, उसमें आपको ऑयल ऐड करना है। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए उसके अंदर में आपको 1/2 टीस्पून करीबन टर्मरिक पाउडर देना है और उसे विद द हेल्प ऑफ अ विस्क चला लेना और उसको इमिडिएट फ्लेम ऑफ कर देनी है। एंड उसके बाद में वो सॉस पैन में तो उस पॉट को आपको आइस बाथ के ऊपर रखना है। आइस बाथ इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम नहीं चाहते कि टर्मरिक और पके और उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाए, इसलिए हम आइस बाथ पे रखते हैं, सो दैट उसका कुकिंग प्रोसीजर इमिडिएट स्टॉप हो जाए और उसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो वैसे ही मेंटेन रहे। उसके बाद में हमने हंकर डाला उसके अंदर में 100 ग्राम लेमन जूस ऐड किया है हमने, उसमें 1 टेबल स्पून लेमन जेस्ट डाला हमने उसके अंदर में,
सॉल्ट डाल के सीजनिंग एडजस्ट करके एक टर्मरिक की सॉस हमने प्रिपेयर कर लिया ऐसे। एंड कुछ टूल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने लेमन जेस्ट के लिए ये वाला टूल यूज किया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपके घर पे ये नहीं है तो सिंपल एक ग्रेटर की हेल्प से आप धीरे धीरे ऊपर का जो येलो पार्ट होता है उसे आप ग्रेट कर लीजिए। मेक श्योर दैट कि आप व्हाइट पार्ट ग्रेट ना करें उसमें। बहुत ही एक अमेजिंग सी चीज बनाई है मैंने आज गार्निशिंग के लिए, और इसे खा भी सकते हैं। ये पिकल बीटरूट, ये बहुत ही आसान है। बीटरूट को बॉईल कर लिया था मैंने, देन ओवरनाइट एक जार में मैंने विनाइग्रेट ड्रेसिंग यानी ऑलिव ऑयल एंड विनेगर मिक्स करके विस्क करके अच्छे से मैंने एक ड्रेसिंग बनाई थी। उसके अंदर एक जार में मैंने इस बॉइल्ड बीटरूट्स के डाइस को डाल दिया था, उसमें सॉल्ट एंड सीजनिंग ऐड करके ओवरनाइट रख दिया था। अभी रेडी हो गया पिकल्ड बीटरूट हमारा। हमारा ऑयल भी एकदम हॉट हो चुका है, तो चलिए एक एक करके फ्राई करते हैं इसे। जब तक ये फ्राई हो रहा है अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। और एक टिप यहाँ पे और है कि जो मैंने अभी टाइम रेस्ट्रिक्शन के कारण में मैंने बटर मिल्क में डिप करके ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करके इंस्टेंट फ्राई कर दिया है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसे थोड़ा रेफ्रिजरेट कर सकते हो। उससे क्या होगी, जो बाइंडिंग है हमारी कोट्स की वो थोड़ी रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, थोड़ा चिल्ड डाउन हो जाएगा। फिर आप जब उसे फ्राई करोगे तो टेक्सचर जो है और भी क्रंची आएगा बाहर का। तो मैंने अभी फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई पे किया है सो दैट वो थोड़ी जल्दी हो जाए। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे उसे ड्रॉप कर सकते हैं। टी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, इसे आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें बताएं कि कैसी बनी है ये रेसिपी। एंड आई एम श्योर ये घर में सभी को पसंद आएगी। और घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हैं अगर आपको कुछ डिफरेंट सर्व करना तो आप ये बना सकते हो।
संध्या जी पूछ रही है क्या बना रहे हैं। मैम मैं आज पनीर चटनी बॉम्ब्स बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद मैं रेसिपी रिकैप कर दूंगा आप सभी के लिए। ओके, बाय द टाइम ये हो रहा है मैं एक बार रेसिपी रिकैप कर देता हूँ, बहुत जन पूछ रहे हैं मुझसे। तो पनीर चटनी बॉम्ब बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चटनी प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम करीबन कोरिएंडर लिया फ्रेश एंड हाफ कप ऑफ कोकोनट यूज किया फ्रेश, जिंजर यूज किया मैंने हाफ इंच, गार्लिक 2 से 3 क्लोव्स, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो बट मैंने रेसिपी के हिसाब से एक बड़ी हरी मिर्च यूज की है, और लेमन जूस यूज किया मैंने। सभी को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड करके दरदरा चटनी बना लिया। ज्यादा थिन चटनी नहीं करनी है हमें, थिक रखनी है उसे, सो दैट वो कोटिंग में इजी रहे। उसके बाद में हमारे जो मिक्सचर आप देख रहे हैं इसके अंदर में 200 ग्राम ऑफ पोटैटो बॉइल्ड है, 200 ग्राम ऑफ अमूल पनीर है फ्रेश एंड 80 to 100 ग्राम ऑफ सोक पोहा है जिसको फ्लैटेंड राइस कहते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्मूथ डो टाइप का बना लिया। उसके बाद में इसके अंदर में हमने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, जीरा, गरम मसाला, अमचूर और नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद में हमने बॉल साइज बना के अंदर चटनी फिल कर दी और उसको हमने कोट किया है पैनको क्रम से, और उसके पहले हमने उसके अंदर में जो एक कोटिंग जनरली हम कहते हैं स्लरी, कॉर्नफ्लावर स्लरी नहीं तो मैदा की स्लरी, मैंने आज वो यूज नहीं किया, मैंने बहुत ही अलग ट्राई किया है आज और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, अमूल मस्ती बटर मिल्क यूज किया मैंने। उसके अंदर में मैंने रोस्टेड ग्राम फ्लावर डाला, अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्लरी बना ली ऐसे कुछ कि उसमें बॉल्स को डिप करके कोट करके मैं फ्राई कर रहा हूँ अभी। This really look like a bomb because ये एकदम bomb shape में है एकदम, and आप जब इसे cut करोगे तो अंदर से आपको layers मिलेंगे different layer in the sense, center में आपको हरी चटनी मिलेगी और उसकी बाहर की जो coating है वो पनीर पोहा mix होने के बाद एक amazing taste देता है, और बाहर में जो crunchy texture है वो आपको महसूस होगा जब आप इसे खाओगे तब। अभी हो गया, हम flame off कर देंगे। एक एक करके हम टिश्यू पेपर पे नहीं तो एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। ऑयल हॉट है, एकदम केयरफुली इसे साइड पे रख देंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रेसिपी, प्लेटिंग। प्लेटिंग बहुत जरूरी है बिकॉज वी एज अ शेफ बिलीव दैट खाना ना कि खाने में टेस्टी होना चाहिए बल्कि दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इट्स विजिबल, आप सभी को दिख रहा होगा, एक बार आप थम्स अप नहीं तो बता दीजिए। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्पून जो हमने टर्मरिक सॉस बनाया था उसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक ब्लैक प्लेट का यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो कोई सी भी प्लेट यूज कर सकते हो। साइड में रखेंगे ऐसे,
अब मैं एक ये जो प्लेटिंग बोर्ड में यूज होता है चॉकलेट बनाते वक्त यूज करते हैं स्पाइरल जिसे कहते हैं डिजाइनर, वो यूज कर रहा हूँ और इसे एकदम स्ट्रेट जो सॉस है उसे एकदम स्ट्रेट टांग दूंगा मैं। आप सभी को दिख रहे हो इसे ऐसे एकदम स्ट्रेट टर्न करते रहना है, बैकवर्ड फ्रंट में आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको जो एक डिजायर्ड लाइन तक लेके आना है। अगर आपके घर पे ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली एक ब्रश नहीं तो विद द हेल्प ऑफ अ स्पून आप इसे कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अभी। नाउ अब हम यूज करेंगे दो हमारे जो डिप्स है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा हम कर्ड है और ये हमारी पी फ्योरी है। इसे थोड़ा रब कर लेंगे हम। सॉरी, now we'll use this। okay। Now comes the hum curd। आपको कुछ ऐसे रैंडमली इसे करना है। Now we'll place our पनीर बॉम्ब। नाउ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था पिकल बीटरूट उसे हम एज अ गार्निशिंग यूज करेंगे एंड एक कलर कॉन्ट्रास्ट भी ऐड करेगा। Now to finish this off, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर लेंगे और स्प्रिंकल कर देंगे।
सो दैट हमारी जो प्लेट है और भी कलरफुल दिखे और प्रेजेंटेबल दिखे। एंड अगर आप चाहते हो तो इसके साथ में इमली चटनी भी सर्व कर सकते हो। सो द फाइनल प्लेटिंग वुड बी लाइक दिस, कुछ ऐसी दिख रही है प्लेट हमारी। मैं फाइनल प्लेटिंग पिक्चर जरूर पोस्ट करूंगा सो दैट आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा लग रहा था। अगर आपको लग रहा है कि पनीर बॉम के ऊपर में कुछ और ऐड करना है तो 1-1 ड्रॉपलेट्स आप हंग कट के डाल के उसके ऊपर में गार्निशिंग एज अ माइक्रोग्रीन, नहीं तो आप कोरिएंडर लीव्स दे सकते हो, उससे और प्लेटिंग का जो लुक है आ जाएगा। बट मैं यहाँ से ऐसे ही रख रहा हूँ, सिंपल प्लेटिंग रख रहा हूँ मैं इसकी। सो विद दिस रेसिपी आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर इसे आप ट्राई करें। ओके, बहुत जन अभी भी कह रहे हैं रेसिपी रिपीट कीजिए एक बार, तो मैं जल्दी से रेसिपी रिपीट कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। तो मैंने आज बनाया पनीर चटनी बॉम्ब्स। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश कोरिएंडर, कोकोनट चाहिए फ्रेश, ग्रीन चिलीज, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक, सबको ग्राइंड करके एक दरदरा चटनी बना लेना है। वाटर ऐड नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि वाटर के बिना नहीं हो रहा तो 1 टेबलस्पून वाटर ऐड करके आप उसे ग्राइंड कर सकते हो। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, ये फिलिंग रेडी हो गया। एंड आउटर कोटिंग 200 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, 200 ग्राम्स ऑफ अमूल फ्रेश पनीर एंड 80-100 ग्राम्स ऑफ पोहा। पोहा को आपको सोक करके रखना सो दैट वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से बाइंड हो सके। अच्छे से मिक्स करके एक दो टाइप का बना लेना। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करना आपको रेड चिली पाउडर, क्यूमिन, होल क्यूमिन, गरम मसाला, सॉल्ट, लेमन जूस एंड टेस्ट एंड सीजनिंग अपने हिसाब से ऐड करके बैलेंस करके। चॉप ऑनियंस हो गया, और भी आप ऐड कर सकते हो कोरिएंडर, मिंट लीव्स, अच्छे से बाइंडिंग बना लेना है। देन हाथ को ग्रीस करके एक बॉल शेप बनाना है, सेंटर में कैविटी रखनी है, चटनी को फील करना उसके अंदर में, अच्छे से बॉल को सील करके बटर मिल्क एंड ग्राम फ्लोर का एक स्लरी बना उसमें डिप करके क्रम्स में कोट करके उसे फ्राई करना है। एंड फॉर द सर्विंग आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स हियर टुडे। ये टर्मरिक डिप है, इसके अंदर में टर्मरिक है, हंग कर्ड है, लेमन जूस है, लेमन जेस्ट है, सॉल्ट एंड पेपर है, एडजस्ट करके किया है। ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शंस मैं इसकी जो पूरी रेसिपी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। एंड विद दिस आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम अमूल पेज। आप सभी का शुक्रिया, आप सब